नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आरजू दुबे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ जहाँ युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत ऑप्शन हैं, तो वहीं घूमने फिरने या यूं कहे पिकनिक के लिए भी अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा में एक और पिकनिक स्पॉट तैयार हो रहा है, जिसे बनाने के लिए बेंगलुरु की कंपनी उत्साहित नजर आ रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के मुर्शिदपुर गांव के पास नाइट सफारी योजना से संबंधित खाली भूखंड के 100 एकड़ में एनसीआर का सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क वाटर पार्क बनाने की तैयारी है। बेंगलुरु से बांड्रेला कंपनी की टीम जल्द ही जमीन का निरीक्षण करने आ रही है। दरअसल ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी के लिए 260 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी। करीब 277 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया जाना था। यहां 120 एकड़ जमीन पर मनोरंजन पार्क समेत अन्य पर्यटन गतिविधियों के लिए चिन्हित की गई थी। हालांकि प्रदेश में सरकार बदलते ही परियोजनाएं भी बदल गई। अब नाइट सफारी के लिए आरक्षित जमीन खाली है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से कोई योजना नहीं बनाई गई है। इसी जमीन पर बांड्रेला कंपनी 100 एकड़ में पार्क बनाना चाहती है। कंपनी बेंगलुरु में करीब 88 एकड़ में बने वाटर पार्क का संचालन करती है। कंपनी की ओर से ग्रेटर नोएडा में स्थलीय निरीक्षण के लिए एक कमेटी अगले सप्ताह आएगी। इसकी खबर मिलते ही अधिकारियों ने जमीन से जुड़ी सारी जानकारी और दस्तावेज जुटाने शुरू कर दिए हैं। 3 दशक से पहले बसे ग्रेटर नोएडा में मनोरंजन पार्क नहीं है। प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि मांगी गई जमीन नाइट सफारी के लिए आरक्षित की थी। मास्टर प्लान में इस जमीन के लिए तय की गई योजना का अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। नोएडा की छोटी बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।